अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी पुराना एम्पलीफायर है जो कि आप यूज नहीं करते, उसमें आप ब्लूटूथ लगा सकते हैं बहुत आसान तरीके से, वो भी बहुत कम खर्चे में। एक एम्पलीफायर हमारे पास आया हुआ है और इसमें हमने ब्लूटूथ लगाना है। ओल्ड एम्पलीफायर के जो कनेक्शन होते हैं बहुत ही अलग तरीके के होते हैं और उसमें ब्लूटूथ लगाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ काफी लोग ब्लूटूथ लगाने के लिए AUX के पॉइंट ढूंढते हैं कि वहां पर आसानी से ब्लूटूथ के कनेक्शन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर AUX के पॉइंट ओल्ड कोई भी एम्पलीफायर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अपने तरीके से कुछ मैं यहाँ पर जुगाड़ लगाने वाला हूँ, अगर आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है तो उस तरीके से आप इजीली लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लूटूथ मैं ये वाला लगाने वाला हूँ, वैसे तो चिप लगाने वाला था तो कस्टमर ने बोला यार मुझे पेन ड्राइव वगैरह भी यूज करनी पड़ सकती है, तो इस तरीके का आप लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या है ना, इसमें कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है ना, लेफ्ट राइट चैनल आउटपुट होता है। अब यहाँ पर क्या है, या लेफ्ट या राइट कोई सा भी एक चैनल हमने इसमें डालना है, सिर्फ एक ही चैनल के हमने कनेक्शन इसमें करने हैं। इसके पहले हमने कनेक्शन पूरी तरीके से कर लिए हैं, इसके कनेक्शन आप देखिए, देखिए यहाँ पर दो वायर हमने निकाली हैं, 5 वोल्ट और ग्राउंड। ये हमारा 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है और इसके अंदर 12 वोल्ट मौजूद होती है। उस 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में एक रेगुलेटर के माध्यम से कन्वर्ट करना पड़ता है और 5 वोल्ट इसको देनी पड़ती है, तब जाके ये ऑन होता है। अब इसके बाद ये तो हमने चलिए 5 वोल्ट के लिए व्यवस्था कर दी है, कहाँ पर गई वो बताएंगे। उसके बाद हमने जो दो वायर और लगाई है वो यहां से सिग्नल आउटपुट होगा, लेफ्ट या राइट कोई सा भी आप ले लीजिए। हमने यहाँ पर लेफ्ट और ग्राउंड का वायर दो निकाली है, ये दो वायर हमारे इसमें कहीं ना कहीं पर जुड़ेंगे। अब कहाँ पर जुड़ेंगे वो अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले इसमें जो 5 वोल्ट देनी है वो हमने कहाँ से व्यवस्था करी है चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, सिस्टम को ऑन है सिस्टम और हमिंग बिल्कुल भी नहीं है सिस्टम में ऑन होने के बाद भी, ये बड़ी खास बात लगी। इसमें आहूजा लिखा हुआ है, यहां पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आहूजा का ओरिजिनल है, हो भी सकता है, आपको क्या लगता है। और ये जो एम्पलीफायर है आप यकीन नहीं करेंगे, ये 20 साल से भी ज्यादा पुराना है जैसा कि कस्टमर बता रहे थे, और हो भी सकता है इसकी जो हालत आप देख सकते हैं, और ये सब बटन वगैरह टूट चुके हैं और हालांकि ये बटन मिलते भी नहीं है, और इसकी बेल्ट वगैरह सब कुछ खराब है जिसकी वजह से एम्पलीफायर में कैसेट प्लेयर का काम नहीं कर रहा है, कबाड़ में फेंका था ब्लूटूथ लगा के, वो सोच रहे कि चलिए कुछ काम बन जाए। अब देखिए बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं और हम करते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट कहाँ से देना है। 5 वोल्ट देने के लिए अब देखिए सबसे पहले तो आपको वो जगह दिखा देता हूँ, मैंने एक रेगुलेटर यहाँ पर ऑलरेडी लगा दिया है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल से यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो खास खास चीजें हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में आपको बताते रहता हूँ तो यहाँ पर भी मैं कुछ मेन मेन चीजें थी वो ही कवर कर रहा हूँ। अब देखिए मैं सबसे पहले तो इस एम्पलीफायर को ऑन कर लेता हूँ, ऑन कर लिया है, ये मल्टीमीटर में आप देखिएगा, ये मल्टीमीटर को हमने DC 20 पे सेट कर लिया है। अब यहां पर क्या है ना, ये जो दो पॉइंट है यहां पर से, ये जो मोटर है, सबसे पहले तो आपको बता दूं इसमें जो मोटर लगी हुई रहती है उस मोटर को यहां से प्लस माइनस दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कैसेट के लिए मोटर लगी रहती है वो 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है और उस मोटर को 12 वोल्ट इस पॉइंट से मिल रही है। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा लिया है और ये जो है हमारा बॉडी के कहीं पर भी अटैच हो जाएगा तो 12 वोल्ट यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं। एक सेकेंड, इसको कहीं पर भी अच्छे से हमने लगाना पड़ेगा, हिलाएंगे तो वोल्टेज स्टेबल नहीं होगी। देखिए तो अभी यहाँ पर 11 वोल्ट करीब हमें मिल रही है, जैसे कि मैं जूम डाउन करके भी पहले आपको दिखा देता हूँ, पूरी वोल्टेज वगैरह के बारे में आपको बता देता हूँ। तो अब देख सकते हैं, ये देखिए 11 वोल्ट मिल रही है, तो ये जो 11 वोल्ट है इसको हमने 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने रेगुलेटर का पूरा यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर हमने व्यवस्था पूरी कर दी है, एक सेकेंड देखिए 4.9 है, यानी कि 5 वोल्ट ही, हाँ देखिए 5 वोल्ट ही है, देखिए ये देखिए 5 वोल्ट यहां पर हमने व्यवस्था कर दी है। रेगुलेटर के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं हमने आपको पहले डिटेल से बताया है, फिर भी नहीं आपको समझ में आता है तो रेगुलेटर की जो फर्स्ट पिन होती है वहां से इनपुट होता है, बीच की पिन में ग्राउंड में होता है और जो लास्ट की पिन होती है वो आउटपुट की होती है जिसमें से 5 वोल्ट आउटपुट निकलता है। एक आपको छोटा सा डायग्राम स्क्रीन के कॉर्नर पे दे दूंगा, वहां पर उस तरीके से रेगुलेटर का कनेक्शन आप करेंगे। अब चलिए एम्पलीफायर को मैं ऑफ कर देता हूँ, वोल्टेज आपको चेक करवा दी, अब इसको हम 5 वोल्ट देंगे। अब सेट इसको कहाँ पे करना है, सेट करने के लिए यहां पर मैंने हल्का सा कटिंग करी है क्योंकि यही वो जगह थी जहां पर हम ब्लूटूथ को सही तरीके से लगा सकते थे, क्योंकि इसके
फ्रंट में कोई ऐसी जगह नहीं है और यहीं पे जगह थी, और इसमें वैसे भी कैसेट वगैरह लगनी नहीं है, तो हमने यहाँ पर ब्लूटूथ के लिए व्यवस्था इसमें करी है, हल्का सा कट किया है और ब्लूटूथ यहाँ पर इजीली लग जाएगा। देखिए किस तरीके से लगना है, एक बार आप देख लीजिएगा। इस तरीके से इसमें ब्लूटूथ की यहाँ पर है ना सेटिंग होनी है, यहाँ पर दो स्क्रू लग जाएंगे। चलिए लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। स्क्रू इस तरीके से आप कोई सा भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं कसना है। हालांकि ये प्लास्टिक भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, इतने साल पुराना है ना, तो ये काफी कमजोर हो चुका है। हल्का फुल्का हमने इसमें लगा लिया, ज्यादा कसना नहीं है वरना टूट जाएगा। तो ब्लूटूथ यहाँ पर लग चुका है और सही तरीके से सारे बटन वगैरह वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें देखिए ब्लूटूथ की जो वायर थी उसमें हमने प्लस माइनस देना है, कहाँ से, उस रेगुलेटर से। अब उस रेगुलेटर के जो आउटपुट की जो पिन है जिसमें से 5 वोल्ट निकल रही है उसमें हम इसको जोड़ देंगे। ये रेगुलेटर की आउटपुट पिन जहां से 5 वोल्ट निकल रही है उसमें हमने इस वायर को जोड़ लिया है, कुछ इस तरीके से। अब ग्राउंड इस बॉडी में कहीं पे भी आप ग्राउंड मिल जाएगा, या फिर रेगुलेटर के बीच की पिन से भी आप ग्राउंड ले सकते हैं, या फिर हम यहां पर जहां पर भी हमें ग्राउंड मिलता है ले लेंगे। तो रेगुलेटर में इसके कनेक्शन हो गए हैं, चलिए ऑन करता हूं। ऑन करते ही आप देख सकते हैं यहां पर ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। अभी स्क्रीन शायद आपको ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है, वो कैमरा इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ऐसा इसमें नहीं होता है। हो सकता है इस तरीके से ब्लूटूथ आपको चमकता हुआ दिख रहा हो, लेकिन ब्लूटूथ यहाँ पर ऐसा नहीं है। चलिए ऑफ कर दिया। सिग्नल हमने कहाँ पर इनपुट करना है कि इससे ये सॉन्ग जो है एम्पलीफायर पे बजने लगे। यहाँ पर मैं दो वायर निकाली है, एक को वही हम ग्राउंड पे लगा देंगे, जहाँ पर भी हमें ग्राउंड या बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा मिलता है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो उसको हम लगा देंगे। तो ग्राउंड मुझे जहां पर भी मिल रहा है, वॉल्यूम के लास्ट वाला बटन में भी हमें ग्राउंड मिलता है तो वहीं पर लगा देंगे। अब बात करते हैं इसको हमने कहां पर देना है। अब इसको देने के लिए सबसे पहले तो आप वॉल्यूम के है ना, किसी किसी में वैसे तो वॉल्यूम के फर्स्ट पिन पे ही कनेक्ट होता है, लेकिन इसमें जब वॉल्यूम के फर्स्ट पिन पे मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो आवाज बहुत ही ज्यादा हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है। इसमें बीच में भी कनेक्शन करने से कंट्रोल हो रही है, लेकिन यहां पर मैं इसमें कनेक्शन नहीं करूंगा, मैं करूंगा यहां पर कनेक्शन। ये देखिए एक पॉइंट इसमें दिया गया है PU, PU का पॉइंट दिया गया, इसके बीच वाले पॉइंट में हमने इसको जोड़ना है। इसका बीच का जो पॉइंट है वो इधर से कनेक्टेड है, उसमें मैं इसको जोड़ लेता हूं। बहुत सिंपल कनेक्शन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करके इसमें कनेक्शन दे सकते हैं। तो PU वाले टर्मिनल में मैंने इसको जोड़ लिया है। चलिए मैं आप कैमरा को थोड़ा सा पूरा वाइड एंगल में रखता हूं और आपको पूरा चला के दिखाता हूं, शायद अब आपको दिख रहा होगा। चलिए चलिए इसको मैं ऑन करता हूं, वॉल्यूम पहले कम कर लेता हूं, थोड़ा सा बढ़ा लिया। ब्लूटूथ मोड में ये आ चुका है, कोई भी ऐसा हमिंग वाला ऐसा नहीं है, देखिए एक्स्ट्रा कोई भी हमिंग नहीं है। जब मैं उंगली टच करूंगा तब हमिंग आएगी, देखना उंगली टच करने में भी हमिंग नहीं आ रही है। चलिए मैं आप इसको मोड चेंज करता हूं, फिर एक सॉन्ग आपको सुना के दिखा दूंगा। चलिए ब्लूटूथ में एक सॉन्ग इसमें प्ले करके आपको सुनाता हूं। तो उसको मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है, अब मैं आपको चला के दिखाता एक सॉन्ग, प्यारा सा नो कॉपीराइट वाला है। चलिए थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, प्ले करता हूँ और इसमें थोड़ा सा इसके साउंड को बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर आपने सॉन्ग सुन लिया होगा, बहुत ही जबरदस्त आवाज आ रही है। मैंने हल्का सा वॉल्यूम ना ज्यादा फुल नहीं करा है, हल्का सा लगभग 1.5 से 2 के बीच में रखा था, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है। फुल करूंगा तो देखो आप समझ सकते कि यार
स्पीकर उतने ज़्यादा हमारे वोट का नहीं है, ये फूक जाएगा। और ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर है। और इस एम्पलीफायर की बड़ी खास बात मुझे लगी, हालांकि ये तो हमने सेट कर लिया है और हम इसका जो ऊपर का कवर है वो इस तरीके से लगा लेंगे, कस वगैरह देंगे और इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए ये इस तरीके से दिख जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इस पर मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ करके दिखाना पॉसिबल है क्योंकि करंट वगैरह लग सकता है, खुला है ये। और पहले भी इसमें इस तरीके से मेरे को तो भाई मन भी नहीं होता जब इस तरीके के पुराने सेट देखता हूँ, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल होता है इसको। मैंने ना पहले ठीक भी किया थोड़ा सा, कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी इसमें। अब यहाँ पर देखिए ये 6 वोल्ट DC से चलता है, ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर है, ये 6 वोल्ट DC से आसानी से चलता है। बड़ी खास बात इसमें लगी मुझे। और पुराने जितने भी एम्पलीफायर्स थे उनमें मुझे DC का ऑप्शन भी मिलता है और दिखा मुझे। और यहाँ पर 4, 8, 16 ओम्स के स्पीकर को लगाने के लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। आप इसमें 4, 8, 16 जो भी आपको मिलता है वो वाला स्पीकर आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये हमारे पास 4 या फिर 8 ओम्स का ही है, उसमें हम इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बड़े आसान तरीके से हमने इसके कनेक्शन कर लिए। बस इसमें स्टीरियो का ऑप्शन नहीं होता है, लेफ्ट या राइट कोई सा भी एक चैनल आपने इसमें इनपुट कराना होता है। बाकी 5 वोल्ट के लिए एक रेगुलेटर का आपको बता दिया, आप रेगुलेटर लगा सकते हैं। वैसे रेगुलेटर को आप कहीं पे भी बॉडी पे भी माउंट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रेगुलेटर को बॉडी पे माउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये ज़्यादा हीट नहीं होता, ये ज़्यादा वॉट कंज्यूम नहीं करता है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसे पुराने सिस्टम को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, नया बना सकते हैं और इसको यूज में लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।